हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में, कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मूलभूत रूप से टोटल चार प्रकार के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। पहला वाला लॉस है आयरन लॉसेस, जिसको बोलते हैं, जिसको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। दूसरा वाला टाइप है कॉपर लॉस, जिसको हम ओहमिक लॉस भी बोलते हैं। तीसरा है स्ट्रे लॉसेस एंड चौथा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो देखिए दोस्तों, आयरन लॉसेस जो होता है उसको हम दो टाइप में बाइफर्केट करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो ये पूरे के पूरे सारे लॉसेस हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो प्लीज बने रहिए, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार के बेसिक रूप होते हैं ट्रांसफार्मर के, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो इंडस्ट्री में कहीं भी यूज नहीं होता है, एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट में ये कहा गया है कि आइडियल ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे कि जिसमें अगर हमने इनपुट पावर जो भी दिया है ट्रांसफार्मर को, अगर हमें आउटपुट में सिर्फ सिमिलर पावर हमें मिले, मतलब कि दोनों पावर इक्वल हो, तो उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। उसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहने की वजह यह है क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब जो इंडस्ट्री में या कहीं भी और जितने भी टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसको हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। प्रैक्टिकल इसलिए कि उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है, और जो भी इनपुट पावर दिया है वो सेम टू सेम हमें आउटपुट में पावर कभी नहीं मिलेगा, ओके, इसलिए इसको हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नाम दिया हूं। इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। देखिए, ट्रांसफार्मर जो एक है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। ये डिवाइस जो होता है उसका काम होता है वोल्टेज को अप और डाउन करना, सिर्फ यही काम होता है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो इस काम के अंदर उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक मशीन बोला गया है। और इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं होंगे क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेस ही आपको मिलेंगे, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेस ही आपको मिलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिकल लॉसेस की बात करें तो उसमें बेसिकली कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस की बात होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लॉस अगर हम पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम है आयरन लॉस इन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में होने वाला आयरन लॉस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है वो कोर के अंदर होता है। कहां पे होता है? ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर। आपकी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जिसके लिंब पे आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, जो कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो आयरन की बनी होती है, इसीलिए यहाँ पे आयरन लॉसेस हम इसको बोलेंगे, ओके। तो आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं? ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर, ओके। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज हमारा एसी होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट टाइप का होता है। वहां पे आपका जो फ्लक्स होता है वो चेंजेबल होता है। क्या होता है? फ्लक्स इज चेंजिंग अल्टरनेटली। कैसे चेंज होता है आपका फ्लक्स? अल्टरनेटली आपका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, एसी वेव जो होता है इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ अल्टरनेटिंग नेचर होने की वजह से फ्लक्स का यहाँ कोर के अंदर लॉसेस होते हैं, जिसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं। और ये लॉस जो डिपेंड होता है मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, और जो कोर के कोर में जो मटेरियल यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये लॉस बेसिकली डिपेंड करता है मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो कोर होती है बेसिकली हम आयरन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? आयरन से, ओके। कोर इन द ट्रांसफार्मर इज मेड अप विद द आयरन, ओके। इसीलिए इसको हम कोर में जो लॉस होते हैं इसको हम आयरन लॉसेस बोलते हैं। आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली
कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक तो हिस्टैरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस, ओके। तो ये दो प्रकार के कॉपर लॉस या कोर लॉस और आयरन लॉस होते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आयरन लॉसेस के अंदर आपको दो प्रकार के लॉस को डिस्कस करना होगा, एक हिस्टैरिसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसिस लॉस जो होता है वो इसलिए होता है कि वहां पे जब हम सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो अल्टरनेटिंग नेचर होता है उस सप्लाई का, यानी एसी वोल्टेज होता है, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसका फोर्स अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर में होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि वहां पे एक हिस्टैरिसिस लूप क्रिएट होगी, जो कोर होती है उसमें हिस्टैरिसिस लूप क्रिएट होगी और उस लूप के अंदर पावर डिसिपेट होगा इन टर्म्स ऑफ हीट, ओके। इसीलिए इस लॉस को हम हिस्टैरिसिस लॉस बोलते हैं। और इस लॉस का अगर इक्वेशन हमें मालूम हो, जैसे कि पीएच हिस्टैरिसिस पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट इज इक्वल टू के ईटा इंटू बी मैक्स रेस टू 1.6 इंटू एफ इंटू वी। तो ये चीज क्या है, तो के इटा है वो है एक आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल कौन सा यूज हुआ है कोर के अंदर, उसका वॉल्यूम क्या है, दोनों चीजों पे, यानी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कोर और कितनी वॉल्यूम में वो यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। दूसरा एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ओके। बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जो वी है वो है सप्लाई वोल्टेज, ओके। अगर आप हिस्टैरिसिस लॉस यानी आयरन लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको जो आयरन प्योर आयरन यूज करने की बजाय आपको सिलिकॉन स्टील मटेरियल को यूज करना होगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। अगर आप आयरन और कोर लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करना होगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर फॉर द ट्रांसफॉर्मर। ये आपको ध्यान देना है। तो आजकल जितने भी ट्रांसफॉर्मर मार्केट में मिल रहे हैं, उन सारे ट्रांसफॉर्मर में जो कोर का मटेरियल होता है वो सिर्फ आयरन नहीं होता है, वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है, सिलिकॉन स्टील, ओके। इसमें जो आयरन का पार्ट होता है स्टील का, उसमें आपको कुछ मात्रा में सिलिकॉन मिलाया जाता है और उससे वो कोर डेवलप होती है। उसका कारण ये है कि उससे बनाने के कारण आप जो कोर लॉसेस होते हैं उसको, आयरन लॉस को, हिस्टैरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है एडी करंट लॉस। ये एडी करंट लॉस भी कहां होता है, ट्रांसफार्मर की कोर में। उसमें क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हो एसी, तब आपका करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल होता है, उस हिसाब से वहां ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस कोर के अंदर, उस ईएमएफ से, ठीक है, क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, क्लोज सर्किट बन जाती है और वहां पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट एंड करंट विल फ्लो इन द क्लोज सर्किट। उसके कारण क्या होता है, जो करंट फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि आपका जो रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, ठीक है, उस क्लोज सर्किट जो बनी उसका रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके। और जो सप्लाई ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके ऊपर ये एडी करंट लॉस डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो करंट है बेसिकली उसको हम एडी करंट बोलेंगे, और ये करंट जो होता है वो सर्कुलेटिंग करंट होता है, जो कोर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। उसके आधार पे क्या होगा कि जो कंडक्टर यूज होंगे उसके ऊपर वो लॉसेस क्रिएट होंगे, और वहां पे उस एडी करंट की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस क्रिएट होते हैं। इसीलिए इस पूरे लॉस को, इस पूरे एडी करंट को एक एडी करंट लॉस नाम दिया गया है, क्योंकि उन एडी करंट की वजह से जो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं वहां पे जो यूज होता है उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है सारे कंडक्टिंग पार्ट्स का, उसके अंदर ये एडी करंट फ्लो होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस क्रिएट होते हैं। ये इनडायरेक्ट लॉसेस की वजह है एडी करंट, इसलिए इस लॉस को नाम दिया गया है एडी करंट लॉस, ओके। अब देखिए एडी करंट को मिनिमाइज करना है, तो आपको एक काम करना होगा कि जो वहां पे कोर का लेमिनेशन होता है उस कोर के लेमिनेशन को थिन रखना है, यानी पतला रखना है।
अगर आप पतला लेमिनेशन यूज करेंगे कोर के ऊपर तो आप एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका इक्वेशन है के ई बी एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर वी, और पावर लॉस है इसलिए इसको बोलेंगे वॉट। आई स्क्वेयर आर लॉस है एक प्रकार का, ये कॉपर लॉस नहीं है, ये एडी करंट की वजह से होने वाला आई स्क्वेयर आर लॉस है इसीलिए इसको वॉट यूनिट दिया गया है। और जो के ई जो है वो क्या है, ये के ई आपका एडी करंट कोएफिशिएंट है, ठीक है। उसकी वैल्यू के ई की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन से टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया गया है, उसका वॉल्यूम क्या है डिजाइन के लिए, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, तीन चीजों पे। क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ कोर, दूसरा वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज इन द कोर, और तीसरा उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, यानी जो कोर की टोटल रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोएफिशिएंट क्या होगा। बीएम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, टी इज द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। मैंने यहां बोला कि हमने थिकनेस रखनी है बहुत कम, यानी पतली थिकनेस होनी चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल की, ठीक है, लेमिनेशन जो करते हैं उसकी। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ लेमिनेशन की डिस्कशन है टी इन मीटर्स, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वी इज नॉट वोल्टेज, इट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, कितने वॉल्यूम में यूज हुआ है, ओके। यहाँ पे भी देखिए ये जो चीज है V, वो वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, सप्लाई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, ये भी एक आपको थोड़ा ध्यान देना है, ओके, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये था आपका कोर लॉसेस, जिसको आप आयरन लॉस बोलते हो, हिस्टरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। अब आप बात आते हैं कॉपर लॉस, जिसको हम ओहमिक लॉस भी बोलते हैं। इसको ओहमिक लॉस इसलिए बोलते हैं कि ये कंडक्टिंग मटेरियल जो यूज करते हैं वाइंडिंग के अंदर, ट्रांसफार्मर में कोर के लिंब के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, वहां पे उस कंडक्टिंग मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसको हम ओहमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। उस रेजिस्टेंस, वो कंडक्टिंग पार्ट्स में से जब आपका करंट फ्लो होगा तो वहां आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, इसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं या तो ओहमिक लॉस बोलते हैं। देखिए हमारे पास दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों का रेजिस्टेंस R1 R2, हम प्राइमरी का R1 और R2 सेकेंडरी का, तो वहां से करंट फ्लो होगा, I1 करंट फॉर द प्राइमरी एंड I2 करंट फॉर द सेकेंडरी। तो आई स्क्वायर आर लॉस टोटल कितना होगा, टोटल पूरे सिस्टम में जो आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस होगा वो आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्राइमरी का एज वेल एज सेकेंडरी का वाइंडिंग का कॉपर लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रे लॉसेस। देखिए स्ट्रे लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रे लॉसेस किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ये स्ट्रे लॉसेस क्रिएट होते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लीकेज ऑफ फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, ये स्ट्रे लॉसेस क्रिएट होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जितना ये परसेंटेज होगा लॉसेस वो दूसरे लॉसेस के मुताबिक बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रे लॉसेस को, ओके, क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस इससे काफी ज्यादा होते हैं, ये इसका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, इसलिए हम स्ट्रे लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और स्ट्रे लॉसेस क्रिएट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड, ओके। अब चौथा और आखिरी लॉस है वो डाइइलेक्ट्रिक लॉस है, जो ट्रांसफॉर्मर में होता है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक लॉस होता किधर है, डाइइलेक्ट्रिक लॉस बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मर में जहां भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है वहां पे। दो प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में, एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जो टैंक के अंदर होता है, इंसुलेशन का काम करता है वहां पे। देखिए कोई फॉल्ट आया ट्रांसफार्मर के अंदर तो क्या होगा कि वहां पे जो इंसुलेशन फेलर होगा, ठीक है, कोई भी एलवी इंसुलेशन या एचवी इंसुलेशन आप यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है कि उसका डिटोरिएशन क्रिएट होगा, मतलब वीक हो जाएगा उसका इंसुलेशन, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, तो वहां से कुछ पार्ट्स डैमेज होके उस ऑयल के अंदर गिर सकते हैं और इसकी कंडक्ट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज होगी डायलेक्ट्रिक लॉस, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये सारी चीजें थी ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।